अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आ गया हूँ मैं एक और पबजी का ब्रांडेड न्यू आपके लिए गेम प्ले लेके। तो इस गेम प्ले में सबसे पहले हम कर लेते थोड़ी सी बात। वो बात कुछ ऐसी है कि पहले तो ये वीडियो पूरी देखना, मेरी बकवास सुन लो थोड़ी सी, प्लीज़। 13 मिनट की बकवास है, इसको प्लीज़ सुन लो, तो थोड़ा सा आपको ये फ़ोन हो जाएगा, रोज़ा आराम से गुजर जाएगा, मसला है कोई नहीं है। बेहतरीन तरीके से सैरी करा करो, बड़ा बेहतरीन रोज़ा गुजरेगा, ठीक है। तो भाई पिछली के मतलब छोड़ दो, पिछली वीडियोस मतलब जो GTA 5 का गेम प्ले था वो मैंने छोड़ दिया बनाना, क्योंकि मेरे पास मुझे रैमसमवेयर लग गया था। रैमसमवेयर मैंने वीडियो भी बनाई थी, चैनल पे डाली भी थी, लेकिन अफसोस वो टर्मिनेट कर दी, क्योंकि उसमें यूट्यूब ने कहा था कि आपने वायरस का वर्ड यूज़ किया है जो कि बहुत हार्मफुल है, लेकिन मुझे नहीं पता किसके लिए, पर उन्होंने कहा तो ठीक है। मैंने बोला चलो आगे थोड़ी सी कार्रवाई की जाए, लेकिन उन्होंने फिर बोल दिया कि हमें अच्छा लगेगा, हमें ये सुन के अच्छा लगेगा कि ये गलती आपकी तरफ से हुई है, मतलब ये गलती है। तो उन्होंने चलो भाई गलती मान ली, ठीक है। तो हम भाई जा रहे थे जॉर्जो, शायद ये हॉट ड्रॉप था मेरे लिए, तो बहुत बड़ा हॉट ड्रॉप था ये, बहुत प्यारा हमने चिकन डिनर किया। वीडियोज़ को पूरी देखना, ठीक है। उतरे हम, उतरते हमको मिली VSS मटर मारने वाली गन, ये गन मटर मारती है, और DP। तो हम जैसे ही उतरे तो बंदा मेरी तरफ सिर्फ एक ही आया था, वो बेचारा जाते ही उतरते ही मतलब कंटेनर के पीछे चले गया जो मेरे लेफ्ट साइड पे, और उसके हाथ में सिर्फ एक नेट लगा था, तो उसने नेट ही पकड़ लिया। उसने नेट से मारूंगा मैं, मतलब देखते हैं कैसे मारेगा, तो सबर कर कैसे मारेगा मेरे को, इसको पता नहीं कौन हूँ मैं, मतलब मुझे तो खुद नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं तो बहुत बड़ा नूब हूँ, ठीक है। ये नेट पिन किया इसने, अगर ये कुक करके फेंकता तो मैं मर जाता, पर इसने नहीं करा, तो बेवकूफ़ी है इसकी, हमेशा पिन करके करा करो नेट कुक करके। ये बंदा नीचे सारे बेहतरीन तरीके से हमने निहत्ते को मारा बंदूक से, पर पबजी में अलाउ है, कोई मसला नहीं। और ये निहत्ता नहीं था, इसने पहनी हुई थी वेस्ट, तो मतलब ये निहत्ता नहीं, मैं कसूरवार नहीं हूँ। फिर हमने कि यहाँ से लूट वूट हमने उठा ली, VSS हमारे पास थी। और अभी ना थोड़ी सी मतलब हम बातें करते हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा मसला ये रोज़ा लगा है, रोज़ा थोड़ा सा मुझे लगना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मैं सैरिस से बिल्कुल पीछे कर रहा हूँ, सैरिस से बिल्कुल पहले वीडियो बना रहा हूँ, रिवाइज वर्क कर रहा हूँ। सामने बंदा आया था, मैंने हेलमेट उतारा पहले 3rd लेवल का, और उसके बाद VSS इनके मतलब हमने ना बस मलुकुल मौत की तरफ इनको रवाना किया, सीधी सी बात है, ठीक। मैं फिर वहाँ एम करने लग गया जहाँ इस शूल फायर कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि वो बंदा भी अब शायद सामने आए, लेकिन वो आए नहीं। फिर मैं गया उसके पास, अब यहाँ एक बड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, मतलब कि ना बड़ा पजल हो गया था, क्योंकि मैं जिस बंदे के पीछे जा रहा हूँ ना, वो बंदा मुझसे भी पीछे आ रहा है, मतलब मैं जहाँ जा रहा हूँ वो मेरे पीछे आ रहा है। मैं यहाँ से निकल आया, वो बंदा भी यहीं से ही निकल के आएगा, बस 3rd लेवल के हेलमेट ने मुझे बचा लिया, वरना मैं मर जाता, वो ले जाता मुझे बहुत आराम से। देखो ऐसे यूं करके वो आता है, आराम से ले जाता, पर ना बस अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बच गए हम। और वीडियो को पूरी देखना, यकीन करो इसमें ना इतने प्यारे प्यारे क्लचेज हैं ना, स्नाइपिंग बहुत प्यारी की मैंने, अल्लाह का शुक्र है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। ये एक और ऐसी नूब सा आया था, ये ना वो लूट करने चले गया पीछे देख के ना, मतलब ऐसे तो नहीं होता, सीधी सी बात, अच्छा तो बिल्कुल नहीं होता। DP की एमओ नहीं था, तो मैंने DP छोड़ के मैंने UMP उठा ली, फिर मैंने लूट वूट की। तो और अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, अच्छा नहीं जा रहा, चलो चलते हैं, फिर हम करेंगे लूट वगैरह सामने से भी। जॉर्जिया में ऑलमोस्ट 10 बंदे आए थे, 4 मैंने मारे, बाकी सब को एंगीज ने मार दिया, और फ्लेयर मिल गई, सबसे अच्छी बात है मेरे को। इसमें ना एक बड़ा मसला था कि ना इस एंगल में जो मैं अभी खेल रहा हूँ, इसमें पूरे में सिर्फ 4x मिले थे हर किसी को ही, 8x बहुत कम थे। एक मतलब ड्रॉप में आया था ओम के साथ, एक बंदे के पास था वो, बाकी किसी के पास नहीं था। वरना हर मैच में ये होता है, जिसको भी आप मारते हो ना, उसके क्रेडिट में 8x निकलता है। अगर कोई टॉप 20 में आप चले जाओ ना, तो हर किसी के पास 8x होता है, लेकिन इसमें किसी के पास था ही नहीं, बल्ला बेहतर जाने पता नहीं कहाँ चले गए। वीडियो को मैं बता रहा हूँ, खुद खबरदार, अगर उंगली उंगली लगा दी तुमने, मैं काट वाट दूंगा, बता रहा हूँ, दोबारा जेब में डालो उस उंगली को, आगे नहीं करना। हाँ वीडियो को पूरी देखो, मज़ा आएगा, वीडियो देखो करोगे तो मज़ा आएगा ना, मेरी वीडियो देखती हूँ यार, ऐसा थोड़ी होता है। पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेरी भी चैनल की स्टेटिक्स जा रही है, गरीबों वाली इंग्लिश। यहाँ पे भी एक बॉट आएगा, उस बॉट को हम मतलब मैं सामने जा रहा था, पीछे आया टिंग टोंग, मैंने बोला कौन, उसने बोला बॉट, मैंने बोला क्या लेना आया हो, बोला मैं देने आया हूँ, मैंने बोला क्या, बोला किल, मैंने बोला मैं लेने आ रहा हूँ, मैं गया और मैंने उसका किल ले लिया। स्टार एनोनिमस बिल्कुल सही कहते हैं हम सब के, और KD का मतलब KD अगर थोड़ी सी अच्छी है ना, तो उसका सबसे बड़ा राज एक बॉट है, वरना हमें कोई हाल तो है नहीं। सोलो वर्सेस सोलो है ये, और आई थिंक एशिया का सर्वर है ये। अब देखना, खामोश हो जाओ, बिल्कुल खामोश, चुप,
देखना अभी क्या क्या होगा। अभी चलते चलते गाड़ी में हमने बंदे मारे हैं, बहुत प्यारा, मतलब मैं अल्फाज नहीं, मैं पागल हो गया था, ये मैंने कैसे कर दिया, और अंधाधुनी शॉट लगा था बस। टाइमिंग काफ़ी अच्छी थी भी। देखना मैं बग्गी से जा रहा हूँ स्कॉट हाउस की तरफ, वो चंकी वाले, क्योंकि मैंने बोला वहाँ जाके फ्लैट चलाएंगे, तो मुझे साउंड आता है कि एक और बग्गी का साउंड मेरे साथ ही आ रहा है। तो मैंने फौरन से सीट चेंज की और इसको मतलब थोड़ा डैमेज दिया और एक हेडशॉट लग गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये वैसे ही बहुत लो है। मैं उतरा, लोड किया, भरम देख रहा हूँ, लोड करके आगे फायर देके पट से भाई हेडशॉट मारा है अंधाधुन, मुझे भी नहीं पता कैसे लगा ये। इसकी लूट वूट की, फिर हमने जोन यहाँ से चले गए, तो मैंने बोला चलो अब आगे चलते हैं, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपनी फेवरेट जगह पे, लेकिन उससे पहले एक और गाड़ी आ जाएगी, फिर हम उसको चीज़ करने लग जाएंगे। अब मैं जा रहा हूँ इसके पीछे। अब यहाँ पे ना एक बड़ा मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचा लिया, इसका नाम जीजो है, ये मेरी गन से नहीं मरेगा लेकिन ये मेरी वजह से मरेगा, देखना कैसे। इसमें अच्छा खासा यहाँ पे मतलब इसी गाड़ी को मैंने सही किस्म का लो कर दिया, इसको भी गोलियाँ लगी हैं। और मैं जा रहा था तो पता नहीं कहाँ से यहाँ दो बंदे थे, मुझे नहीं पता, एक स्कॉर्पियो उसकी खिड़की से आया, लेकिन मुझे गोलियाँ पीछे से भी लगी हैं। तो मैं नीचे गया, ये जीजो देखा किल फिल में जो नाम आया है इसको, ये वो बंदा है जो गाड़ी से जा रहा था, गाड़ी उसकी बहुत लो थी, ट्रक पर लगी, फट गया। और मुझे लग रहा है ये ऑफलाइन हुआ था, क्योंकि चलते चलते जैसे ये हुआ है ना, और अभी भी गाड़ी की आवाज़ साउंड मुझे आ रहा है कि गाड़ी चल रही है, तो ये ऑफलाइन हुआ है, मतलब पाकिस्तान के अलावा कहीं और मुल्कों में भी लाइट जाती है, और ये शायद ईरान का फ्लैग था, जीजो 3029 आई थिंक इसका नाम था। फिर हमने इसकी लूट पुट की और फिर हम निकले आगे। इस जगह का नाम तो मुझे नहीं पता, जो कि नाम है भी नहीं, गुमनाम जगह है ये गुमनाम जगह है, और ये मुझे सबसे अच्छी जगह लगती है, क्योंकि अगर आप यहाँ खड़े हो ना तो आपको चारों तरफ का एंगल मिलेगा और सामने वाले को नहीं मिलेगा, मतलब रजिस का एंगल हो सकता है उसके पास और किसी का नहीं। पहले मैं सोच रहा था कि जो अपार्टमेंट्स हैं यहाँ जाऊँ, लेकिन यहाँ पहले से ही एक गाड़ी होगी, अभी देखना। मैंने मतलब थोड़े से यहाँ समन भोन सूंग ली थी, तो समझा करो थोड़े से ऊपर नीचे मैं हो रहा था, समझ गए। तो ये गाड़ी खड़ी थी, मैं रुक रहा, मैंने बोला नहीं भाई चलो वैसे ही मर भर जाएंगे, थोड़ा सा अच्छा गेम प्ले पहली बार बन रहा है। मेरी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसा नहीं करो, बहुत वीडियोस हो गई हैं, देख लो एक बार जाइए, वॉच टाइम बहुत कम आ रहा है मेरा, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। अब हम जाएंगे आगे। ये जगह ना मुझे सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि अगर आप बीच में फ्लेयर चला देते हो ना तो चारों तरफ का एंगल आपके पास होगा, लेकिन सामने वाले पास कुछ भी नहीं होगा। और ये जगह मतलब बहुत अच्छी लगती है, एक ना तमीज़ वाली जगह है कि आप यहाँ पे बैठ के फाइट ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। यहाँ मैं गया, फ्लेयर चलाई मैं, फिर इस फ्लेयर चलाने के बाद थोड़ा दूर जाके ले लिया था, और फिर वहाँ बंदे आए थे, उसको मैंने एक को मारा, फिर ओम वम उठा ली, 4x सबके पास। यहाँ पे क्लच होने वाला है, स्किप नहीं करना बिल्कुल। मैं गया इस घर में, तो सामने वाले में आगे ड्रॉप था और बंदा वहाँ पे लूट कर रहा था, तो उसको किसने पहले ही मार दिया। मुझे साउंड आ रहा था बराबर वाले घर से, लेकिन मुझे लगा ऊपर से, तो मैंने एहतियातन तौर पे मैंने एक नेट सीढ़ियों पे कर दिया, और बहुत परफेक्ट नेट था, मतलब बंदे ने पता नहीं नेट देख लिया या उसका पिन का साउंड सुन लिया, तो वापस चले गया, और जैसे ही वापस गया तो उसकी किसी से फाइट हो गई। हाँ वो बाहर जा रहा था तो उसकी फाइट हो गई, उसको सामने वाले बंदे ने मार दिया। आप समझ में आ गया, अब कन्फ्यूजन दूर हो रहा है, ये बंदा यहाँ कैसे मारा। ये बंदा ऊपर आ रहा था, लेकिन सामने वो बिल्कुल कोने में छुपा हुआ है गिली सूट पहन के, ये मुझे पीछे शॉट पड़ा, तभी मैं यहाँ से भागा, और बहुत अच्छा फैसला था ये यहाँ से भागने का, मतलब अगर मैं यहाँ से नहीं भागता ना तो मतलब शायद चिकन डिनर के चांसेस बहुत कम थे। अब इसको बड़ा प्यारा मैंने पट से हेड शॉट दिया, लॉल ये भाई, पता नहीं इसका थर्ड लेवल क्यों नहीं टूटा, वो नहीं आता, वो ऊपर एरो आता रेड कलर का, वो नहीं आया। ये वैसी लो था तो उसको मारना कोई मुश्किल काम था नहीं, इसको भी हमने मौत के घाट उतार के मलकुल मौत के हवाले किया। ओम को एमओ मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो चुका है। फिर मैं सामने वाले घर में गया, क्योंकि एक बंदा मारा था, वो बहुत अच्छा, मतलब उसकी मैंने किल फिल्म में नेम नोट करा था, क्योंकि बहुत अच्छा मारा था। इस बंदे को मैंने चार बॉडी शॉट, 5-6 मैंने मारे हैं उसको बॉडी शॉट, लेकिन फिर भी 4 काउंट में और उन्हीं में ये मारा। ये हेड शॉट था, जो कि उसका सर दिख रहा था, लेकिन फिर भी पता नहीं कि बॉडी शॉट काउंट हुआ। अच्छा भाई, जिस जिसने ये सब लाइक किया ना, वो लाइक कर दो, प्लीज़ लाइक कर दो, जो पीछे क्लच देखे उनके वास्ता तुम लाइक कर दो, और सब्सक्राइब भी कर दो, घंटा दबा दो, वो लाल हो चुका है, उसका मतलब गुस्सा ठंडा करो। अच्छा तुम एक जादू दिखाऊँ मैं,
तुम उसको जैसे लाल को दबाओगे ना, लाल बटन को, वो सफ़ेद हो जाएगा, मतलब वो ठंडा हो जाएगा। अभी यहाँ पे ना, मतलब अगर चैंपियंस ट्रॉफी में बुमराह की नो बॉल नहीं होती ना, तो फ़खर जमान के 114 रन नॉट आउट नहीं होते। उसी तरह की गलती समझो वो बुमराह है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़खर जमान हूँ। मैं एंगल चेंज कर रहा था लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं, मैं मतलब यहीं से उसको मारते। तो अभी देखना, मैं अब बातों में लग गया हूँ, मैं ऐसी माउस ला रहा हूँ कि मैं बातों में लग गया हूँ। और दिनेश से कितना अच्छा इसके पास एंगल था, पीक थी इसके पास, लेकिन इसने फिर भी नहीं मारा। M24 थी उसके पास, देखना ऐसे ये आया और चले गया। फिर मैं एकदम आ गया, मतलब अंदर हो जाओ, क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब पागल हो गया। इसको देखना, ये तीसरा बॉडी शॉट हुआ है ये, पता नहीं क्यों नहीं मर रहा, क्या मतलब ये खा पी क्या है। और ये आई है हेड शॉट भाई, मतलब कि मजाक हो रहा है, ऐसे तो नहीं होता बिल्कुल भी। उसके बाद ये ड्रॉप का जो नहीं होती व्हीकल, इसका नाम मुझे याद नहीं है। इसकी सबसे अच्छी खास बात ये कि अगर आप इसको बीच में लेके जाओगे ना बंदों के, तो आप उन पर चढ़ा सकते हो, लेकिन ये गाड़ी फटती बड़ी मुश्किलों से, मतलब 400 या 500 गोलियों के बाद। तो ये यहाँ पे आके रुक के, अभी सैंडविच हो गया, क्योंकि नीचे बंदा एक मैं हूँ और बीच में ये है। तो इसको पहले तो मैं समझ लीजिए ऊपर आएगा, ऊपर आ ही नहीं रहा, तो वहीं पर इसको एक बॉडी शॉट दिया। और दूसरा भी बड़ा मतलब ना टाइमिंग वाला था, ये वहाँ जा चुका है लेकिन फिर ये पीछे आया, हल्का सा उसको मैंने मतलब इसको भी मलकुल मौत के हवाले किया। लाइक कर दो प्लीज़। उसके बाद भाई साहब ये बहुत अच्छी, मतलब ना बहुत अच्छी गाड़ी है ये, मतलब एक मैार, अगर आप दो फ्लेयर देना तो मैं प्रेफर ये करूँगा आपको कि एक जोन के बाहर जाके चलाओ और यही गाड़ी ले लो, क्योंकि इस पर गोलियों का असर कोई नहीं है। सीधी बात, ना टायर पंचर होता है ना कुछ, फुल टैंक के साथ आता तो मसला कुछ है ही नहीं। एक बंदा वो पत्थरों के पास है, जब मुझे नहीं पता था, मैं जब लूट करने गया, उसकी पिंग बहुत अच्छी आ रही है, देखना। इसके पास सिर्फ 8x था, कुछ समझे थे या कुछ समझे? इसके पास 8x था, मतलब सिर्फ एक 8x था पूरे रंगल में, और मुझे अब जाके मिला है। फिर मैंने 8x शिफ्ट किया अपने पास ओम के ऊपर, और मैंने रोटेट किया, इतनी देर में वो बंदा भी घूम के मेरे बिल्कुल क्लोज आ जाएगा, और मुझे लगा कि वो वहीं है, तो मैंने बोला नेट वेट करते हैं। मैंने एक नेट निकाला और जैसे ही पिन करके आगे किया, वो बंदा वो आ रहा, उसने AKM का स्प्रे दिया क्लोज रेंज में। यहाँ तो मैं समझा कि मैं गया, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसको भी हमने मार दिया भाई साहब, क्या मजाक थोड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई बस आज के लिए इतना ही था, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, मेरे चैनल को जाके एक बार चेक कर लो कि कंटेंट कैसे कैसे हैं, वो देख लो एक बार जाके प्लीज़। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे कल, दुआओं में हमेशा याद रखना। और अब आपसे कल मिलते हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बस कल मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।